हाँ तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि सुनील भाई, अगर हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग करते हैं और उसी दौरान अगर बीच में ही डिसकंटिन्यू हम अगर करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है भाई का। और इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद हम कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? मतलब इनका साफ साफ कहना है कि भाई, अगर हम रेलवे से या तो कहीं से भी अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो क्या हम बीच में उसे छोड़ सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं? और अगर डिसकंटिन्यू एक बार छोड़ दिया तो अगर एक बार हम डिसकंटिन्यू कर दिए यानी कि छोड़ दिए, उसके बाद क्या हम दोबारा कहीं से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? तो भाई देखो, आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप करते हो तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, पता होगा। कहीं से भी, कहीं कहीं इसे कोई कोई 8 क्लास से करता है, कोई कोई 10th क्लास से करता है, तो किसी का 1 साल 2 साल के लिए भी रहता है, 1.5 साल के लिए भी रहता है। तो देखिए, आप लोग जो है डिसकंटिन्यू आराम से कर सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। उसको बोला जाता है टर्मिनेट करना। आप जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट से बोलिएगा कि हमको जो है कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि टर्मिनेट करवाना है, हमको यहाँ से छोड़ना है। तो आप कोई लेटर लिख करके दीजिएगा, एक वो बताएगा किस टाइप से लिखना है। आप लेटर लिख करके दे दीजिएगा, उसके बाद सिंपली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 10 से 14 दिन के अंदर में, और कुछ कुछ कहीं कहीं ज़्यादा दिन भी लग जाता है, वहाँ से टर्मिनेट आपको कर देगा। एस्टेब्लिशमेंट से करवाइएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा टर्मिनेट, नहीं तो आप अगर अपने से करना चाहें तो थोड़ा सा लेट लग सकता है। तो आप सिंपल है कि आप अप्रेंटिसशिप को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको टर्मिनेट का आपको लेटर लिख करके देना पड़ेगा, टर्मिनेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो क्या आप जब दोबारा जब कीजिएगा तो देखिए आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो उसमें जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर चलता रहेगा, टर्मिनेट अगर नहीं करवाइए रहेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको अभी पीछे बताया कि टर्मिनेट करवाना ज़रूरी है। टर्मिनेट आपका रहेगा तो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल में आपको शो नहीं करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इसका इशू है। ठीक है, तो इसीलिए टर्मिनेट करवा करके पहले से रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप लोग जो है दोबारा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपने रेलवे से कहीं दूसरा जगह जाना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं दूसरा जगह से रेलवे माना है तो आप रेलवे में भी अगर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अप्रेंटिसशिप छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाना चाहते हैं कहीं भी जा सकते हैं आराम से, मतलब कुछ भी भाई, कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोग यानी कि सोच करके रखता है कि नहीं, एक बार गए हैं तो हम छोड़ नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है, आराम से भाई, एकदम इतना मज़ा आएगा नहीं क्या बताएं। हम देखे वो मज़ा लिए हैं, ठीक है, 1 साल बहुत ही मज़ा आया। हम लोग यानी कि बहुत ग्रुप में थे हम लोग थे और बहुत मज़ा आया। तो आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर इसी तरफ से अगर किसी का और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस चैनल में किसी टाइप से लगभग 2 से 3 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड करूँ और आप लोग को बताऊँ इसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।